अर्थ है अभिनंदन है। माँ भारती के चरणों में अभिनंदन है। अपने देश के वीर सपूत के स्वागत में बाघा बॉर्डर पर लोगों की भीड़ उमड़ी थी। हर किसी के हाथ में तिरंगा झंडा और लबों पर भारत माँ की जय के नारे थे। जिस पल का हर देशवासी को इंतजार था वो 1 मार्च को पूरा हुआ। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच पाकिस्तान ने अभिनंदन को भारत को सौंप दिया। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। इसकी शुरुआत 27 फरवरी को हुई थी। 27 फरवरी को मां भारती का ये शेर पाकिस्तान की सीमा में घुस गया था। दरअसल 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया था। इससे बौखलाए पाकिस्तान के वायुसेना ने 27 फरवरी को भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया। भारत के मुताबिक उसकी मंशा भारतीय सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की थी। लेकिन पाकिस्तान की हरकत के कुछ ही देर बाद भारतीय एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया। लिहाजा पाकिस्तान वायुसेना के जेट को दुम दबाकर भागना पड़ा। उनके मनचुबे कामयाब नहीं हो सके। अभिनंदन मां भारती के उन्हीं वीर सपूत में से एक है। अभिनंदन ने मिग 21 से पाकिस्तान के AF-16 विमान को निशाना बनाते हुए उसे मार गिराया। लेकिन इस दौरान मिग 21 भी क्रैश होकर पाकिस्तानी इलाके में गिरा। पैराशूट से उतरते ही अभिनंदन ने जैसे जमीन छुआ उसका पहला सवाल था, क्या वो पाकिस्तान में है। खतरे का इल्म होते ही उन्होंने सबसे पहले अपने पास मौजूद अहम दस्तावेजों को नष्ट करने की कोशिश की ताकि दुश्मनों को इस बारे में जानकारी नहीं मिल सके। इस बीच अभिनंदन को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन खौफ का कोई निशान मां भारती के इस लाल की आंखों में दिखाई नहीं दिया। पूरे भारत में अभिनंदन को वापस लाने की मांग होने लगी। सीमा पर तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया। जनेवा संधि के नियमों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभिनंदन को भारत को सौंपने का ऐलान किया। सारी प्रतिक्रियाओं के पूरे होने के बाद अभिनंदन एक बार फिर मां भारती की गोद में पहुंच गए। सारे भारत से बस एक ही आवाज सुनाई पड़ रही थी, स्वागत है अभिनंदन।